हाय, आई एम चंद्रजीत, एक पेशेंट हूँ मैं यहाँ का। और लास्ट ईयर की बात है, ये 10th अगस्त था एंड आई वाज स्टैंडिंग इन द किचन और सडनली आई फेंटेड। फिर एवरीबडी बिकेम वेरी स्केयर्ड। मेरी वाइफ ने, उनके एक फ्रेंड भी हैं, फ्रेंड को इस हॉस्पिटल का पता था, मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं था। तो अलॉन्ग विद देम दे गॉट मी एडमिटेड हियर। और उस दिन डॉक्टर अमित श्रीवास्तवा जो थे, वो ही वॉज इन चार्ज, तो ही मेट अस। और शायद उनको कुछ हार्ट की इशू लग रही थी, बाकी लोगों को सारी स्कैनिंग वगैरह हुई बहुत प्रॉपर। और आई वॉज एडमिटेड हियर, आई वॉज सजेस्टेड बाई माई फ्रेंड, क्योंकि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल थी, तो उन्होंने कहीं और ले जाने की बजाय हमें सीधा यहाँ पहुँचा दिया, सो दैट कि अगर कोई भी और स्कैनिंग होगी तो आई वॉज नॉट इन अ सिचुएशन टू कॉमेंट एनी थिंग, बट ही वॉज रिस्पॉन्सिबल। तो उनको यहाँ की सारी चीज़ों का पता था कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, तो इमीडिएटली ही गॉट मी एडमिटेड। और उस समय कोविड की भी सिचुएशन चल रही थी, तो इमीडिएटली मेरा कोविड टेस्ट वगैरह भी हुई, सारी स्कैनिंग हुई एंड आई वॉज अबाउट टू बी रिलीज। फिर डॉक्टर अमित ने ये कहा कि नहीं, इनका एक लास्ट में एक MRI भी करके देख लेते हैं कि शायद उसमें भी कुछ फाइंडिंग हो, क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा था कि वाई डिड आई फेंट, मेरी हेल्थ रिकॉर्ड वगैरह भी ऐसी कोई थी नहीं। तो फिर MRI में ये डिटेक्ट हुआ कि आई हैव मेनिनजियोमा, राइट फ्रंटल मेनिनजियोमा यहाँ पे, और इमीडिएट सर्जरी जो है दैट वॉज एडवाइज। तो इमीडिएटली इट वॉज अ शॉक टू मी, इट वॉज शॉक टू एवरीबडी इन माई फैमिली, लेकिन डॉक्टर अमित ने पेसिफाई किया सारी चीज़ों को एंड आई वॉज नॉट मेंटली रेडी। ये 10th अगस्त की बात है लास्ट ईयर, तो आई टुक टाइम। 11th अगस्त था, उस दिन मैंने अपने सारे जो मेरी फैमिली में भी लोग हैं, कुछ डॉक्टर्स भी मेरे फ्रेंड हैं, उनसे मैंने सेकेंड ओपिनियन लिया। तो उन्होंने बोला कि ये डॉक्टर अमित से अगर आप सर्जरी करवाओगे मेनिनजियोमा का, इट इज समथिंग लाइक जैसे गायनी एक नॉर्मल डिलीवरी करती है, उनके लिए इस तरह का केस है। दैट वॉज द फीडबैक गिवन टू मी बाई डॉक्टर अमित। तो आई गॉट रिलीव। फिर 12th को मेरी सर्जरी हुई और उसके बाद ऐसा लोग कहते हैं कि भाई ब्रेन सर्जरी बहुत ही मतलब डिफिकल्ट चीज़ है, उसके बाद कोप अप करना एंड सो ऑन, बट इन माई केस आई डिडंट फाइंड एनीथिंग लाइक दैट। मतलब ICU में आई वॉज एडमिटेड एंड सारे लोग मुझे इस तरीके से देख रहे थे कि ये कोई मिरेकल हो गया है या क्या हुआ। आई एम रियली थैंकफुल टू डॉक्टर अमित, इनफैक्ट माई इंटायर फैमिली इज वेरी मच थैंकफुल टू हिम, क्योंकि वो जिस तरीके से उनके हाथ सधे हुए हैं सर्जरी जैसे वो करते हैं। उसके बाद आज तो मैं यहाँ पे अपने MRI रिपोर्ट के साथ भी आया हुआ था, एक साल गुजर गया है और सारी फाइंडिंग्स बिल्कुल क्लियर है मेरी, उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। क्योंकि कई लोगों ने बोला था कि उसके बाद आपको शायद ये बात हो सकती है, आपकी स्पीच जा सकती, हो सकता है आपके आईज में कुछ प्रॉब्लम होगी, आईज चेक करा लेना, ये वो पता नहीं क्या क्या बातें लोगों ने कही थी, बट नॉट इवन अ सिंगल थिंग आई हैव फाउंड इन माई केस। और अभी भी रेगुलर अगर कभी भी चेकअप के लिए आना होता है, एवरीथिंग इज वेरी क्विक कूल, वेरी क्विकली एवरीथिंग इज डन। जैसे मैंने उसके बाद नॉर्मल चेकिंग के लिए भी अपनी MRIs वगैरह करवाई एंड सो ऑन, तो सारे सिस्टम काफ़ी सिस्टमेटिक हैं और कभी भी मुझे कोई परेशानी नहीं होती है यहाँ पे आने में। जब भी बातें करो मैं अपनी अपॉइंटमेंट वगैरह ले लेता हूँ एंड आई एम गोइंग ऑन वेरी फाइन। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग एवरीबडी अराउंड मी सेज दैट इट्स अ मिराकल कि आपकी ब्रेन सर्जरी होने के बाद भी यू आर स्पीकिंग लाइक दिस एंड बिहेविंग। मेरा एक प्रोफेशन जो है टीचिंग का प्रोफेशन है, एक बहुत रिमार्केबल बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरी जो प्रॉब्लम थी वो इस एरिया में थी, तो उसके हिसाब से कायदे से ये बनता था कि मेरी सर्जरी सामने से की जाती तो एक स्कार सामने रह जाता। लेकिन डॉक्टर अमित ने अपनी सूझबूझ लगा के कि भाई उन्होंने इतना कंसर्न दिखाया कि ये पर्सन एक टीचिंग फील्ड में है, तो सामने जो है इसका फेस बिल्कुल ख़राब नहीं होनी चाहिए, इसलिए कट मेरे साइड से उन्होंने लगाए। मे बी इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, उनको बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ी, लेकिन ही टुक हिज पर्सनल इंटरेस्ट। और आज आप देख सकते हैं यू कांट इवन मेक आउट, और इनफैक्ट जो मेरे साथ लोग थे, अगर मैं उनके सामने अपना हेड कर दूंगा सारी चीज़, तो वो बता नहीं सकते हैं कि कहाँ पे सर्जरी। अगर मैं आपके सामने भी अगर अपने को दिखा दूं, यू कांट मेक आउट कि मेरी सर्जरी कहाँ पे होगी, यू कांट मेक आउट। तो एनीवे आई एम रियली हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल टू आकाश हॉस्पिटल कि यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ। एंड आई कैन सजेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू कि आप कभी भी अगर इस तरह कोई इशू होती है तो आप डॉक्टर अमित से ज़रूर मिलें, ही इज ए कन्वेंशनल काइंड ऑफ डॉक्टर। सारी चीज़ें काफ़ी आपको करेक्ट वे में सजेस्ट करना है, एटलीस्ट दिस इज माई केस, आई एम ऑलवेज देयर टू guide you this way।
थैंक यू वेरी मच। मिस्टर पोद्दार एक फिजिक्स के टीचर हैं जो एक सुबह हमारे पास इमरजेंसी में लाए गए थे। उनको कुछ दिनों से कंप्लेन थी कि हेडेक है, और जब सुबह सुबह वो उठे तो उसके बाद उन्हें चक्कर आया और ज़ोर से दौरा आ गया और वो बेहोश हो गए, मुंह से झाग निकल गया। हॉस्पिटल में लाए गए तो उस समय वो होश में थे, लेकिन कुछ उनका ओरिएंटेशन ठीक नहीं था। तो हमने उनकी एमआरआई की और उसमें पता चला कि राइट साइड के ब्रेन में एक बड़ा सा ट्यूमर है, जो देखने से ही मेनिंजियोमा प्रतीत हो रहा था, और उसके आसपास काफ़ी सारी सूजन थी। ज़्यादातर केसेस में मेनिंजियोमा एक बहुत स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है, जो वक्त के साथ जैसे जैसे वक्त निकलता है महीने दर महीने थोड़ा थोड़ा करके ग्रो करता है। बट इसकी खासियत ये होती है कि अपने साइज से कई गुना ज़्यादा दिमाग में सूजन करता है, क्योंकि ये ब्रेन के सरफेस पे ग्रो करता है ज़्यादातर केसेस में। और ऐसे में जो वेन्स ब्रेन से ब्लड को और फ्लूइड को ड्रेन आउट करते हैं उनको कॉम्प्रेस करता है, और इससे ब्रेन में होने वाला सूजन इस दौरे का कारण होता है। और ख़ास तौर से अगर ये ट्यूमर हाथ पांव के नस के आसपास है तो वो इतना सूजन करेगा कि उधर वीकनेस भी दे सकता है। अगर फ्रंटल लोब में है तो बिहेवियरल डिस्टर्बेंस देता है, टेम्पोरल लोब में है तो मेमोरी लॉस देता है। तो ऐसे में इनकी सर्जरी मस्ट थी। फिर हमने इनका कंसेंट लिया और इनको ऑपरेट किया। सर्जरी में पूरा का पूरा ट्यूमर निकाला गया, ब्रेन से काफ़ी दूर तक चिपका हुआ था, और काफ़ी सारे जो दिमाग की झिल्ली होती है ड्यूरा कहते हैं, उससे बना हुआ ट्यूमर था। इसे हटाने के बाद पेशेंट के हेडेक में इम्प्रूवमेंट आया, बिहेवियर में, कॉन्शियसनेस में इम्प्रूवमेंट आया, और अब पेशेंट बिल्कुल ठीक हैं। वो फिजिक्स के टीचर हैं, ही इज़ अ प्रोमिनेंट फिजिक्स टीचर जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव बच्चों को, और वहाँ वो अच्छा कर रहे हैं। तो जब वो ओपीडी में आते हैं तो हम उन्हें देखते हैं और ये हमें पता लगता है कि हाँ, उनका ब्रेन बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है, कोई कमी नहीं है, और वो सिंपल एक दो दौरे की दवाई पर हैं जिससे उन्हें अगले 6-7 महीने में छुटकारा मिल जाएगा।